हिंदी पुस्तक ताज मंजरी के विमोचन के मौके पर सीजीएसटी विभाग ने डॉक्टर आर ए एम तिवारी को भी बुलाया था। तिवारी हिंदी के बड़े ज्ञाता हैं। उन्होंने इस पुस्तक में एक एक लेख को बारीकी से सभी को जानकारी दी है। उनका कहना है कि इस पुस्तक में उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है जो आज की जरूरत है। ये बहुआयामी पत्रिका है और जीएसटी के साथ साथ राजभाषा और सोशल वेलफेयर और सबसे बड़ी बात है इसमें जो पब्लिक कम्युनिकेशन तक का जो कॉन्सेप्ट है, समाचार पत्रों की कटिंग से जो सरकार की विभिन्न योजनाएं बताई गई हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो इसका पीछे का पृष्ठ है वो फिलोसॉफिक मिस्टिसिज्म दर्शाता है, दार्शनिक रहस्यवाद दर्शाता है जो जीवन और जगत दोनों के सामंजस्य को स्थापित करने की एक फिलॉसफी इसमें निहित है जो आम पाठक शायद इतनी जल्दी ना समझ पाए। पुस्तक में पर्यावरण, देश से प्रतिभाओं का पलायन, नारी सशक्तिकरण, राजनीति, आतंकवाद जैसे तमाम विषयों पर लेख लिखा गया है। इस अवसर पर तिवारी ने कमिश्नर आरसी सांगला की जमकर तारीफ भी की। मेरे ख्याल से आगरा में 75 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं और उनमें सांखला साहब का राजभाषा ही काम और अन्यथा की दृष्टि से भी जो बहुआयामी व्यक्तित्व और विभागीय प्रक्रिया है उनमें भी वो ऊपर प्रथम दो तीन विभागाध्यक्षों में उनका नाम आता है। आर ए एम तिवारी का कहना है कि इस किताब को देश में एक ना एक दिन विभागीय तौर पर इनाम मिलेगा। जल्द ही ये पुस्तक चयनित की जाएगी। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।